नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपके रिव्यूज। और सबसे पहले आपको हैप्पी होली। और मैं आपके रिव्यूज तो सुन ही चुकी हूँ, जिससे पता चलता है कि सबने होली को खूब इंजॉय किया है। तो मजेदार है आपके रिव्यूज अनुपमा के लिए भी, और बहुत सारी बातें हैं आपके इन सब वॉइस ओवर्स में। तो सुनते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज रंगों वाली होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोविड के बाद शायद मैंने पहली बार रंगों से होली खेली। एक्चुअली कोविड जाने के बाद गुलाली था, क्योंकि थोड़ा मन में डर भी था और पानी वगैरह, पर आज पानी, रंग, डांस सब बहुत बहुत एंजॉय किया आज का दिन। और दूसरी बात है कि आज शो के लिए बोलूँगी कि अनुज का वही कल का कंटिन्यू था। आद्या को बता रहा था, डांट रहा था, और उसको ये भी कहा कि किसने किसको बचाया, तुम्हें प्रॉब्लम है ना कि मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ के अनुपमा को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया और तुम्हें उस समय मम्मी ने बाद में बचाया, तो उसके लिए कि क्या फ़र्क पड़ता है। और उससे कहा कि मैं ऐसे ही करता, अनुपमा की जगह कोई और होता तो मैंने भी कल उस दिन यही कहा था कि अनुपमा की जगह कोई और होता तो अनुज ने ऐसे ही किया होता। अगर कोई गिर रहा है, दिख रहा है तो हाथ ऐसे ही होता है। किसको यहाँ इंपॉर्टेंट, किसी रिश्ते के लिए नहीं थी। जैसे उस समय अनुपमा कहते यहाँ आज अनुपमा, अनुज ने वो बात मुझे लगता है क्लियर की है उसको, हो गई शायद कि शायद हो सकता है कि तुम्हें यानी उसको समझाए एकदम डायरेक्ट थी, तुम्हें गलत हो, तुम्हें गलत हो। वो अभी ऐसा नहीं बोल सकता अनुज, क्योंकि उसको ये भी मन में भी है ना उसके कि उसके बेटी को ट्रोमा यानी ये पैनिक अटैक भी आते हैं, तो उससे कि उससे शायद वाली लैंग्वेज ही उसकी, मुझे वो थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए कहा उसने कि शायद हो सकता है कि तुम्हारे को तुम्हें पहले कार से निकालते तो बैलेंस बिगड़ जाता और कार खाई में गिर जाती, ऐसा मम्मी ने तुमको समझाया था ना, तो बहुत अच्छा लगा वो उसने कि क्लियर किया। और मुझे आद्या को भी देखा मैंने कि आद्या ने भी ये उसको याद आया कि मम्मी ने मुझे कैसे कांच के खिड़की का कांच फोड़ के मुझे बाहर निकाला, जैसे बाहर निकाला गाड़ी सीधे खाई में, तो यह बात उसको भी याद आई। पर अभी वो पूरी तरह से रिलाइज मुझे सुधरेगी क्या, इसका डाउट तो मुझे भी अंजू जी, क्योंकि अभी ड्रामा है बाकी, क्योंकि शादी तक बात अगर जा रही है, शादी के मंडप तक अगर बात जा रही है, तो फिर ये आद्या को धीरे ही टाइम लगेगा, फिर कुछ और गड़बड़ करेगी वहाँ अनुपमा की, शायद वो समझ में आएगी। मुझे लगता है कि एक बात भी उसके दिल में घर कर जाएगी कि तोशु को अगर जेल में सजा मिलेगी और आद्या को ये बात पता चलेगी, तो फिर आद्या बोलेगी कि मम्मी सही और गलत के लिए अपना सगा और पराया बच्चे की बात नहीं करती, तोशु भैया को दिया है, जेल भेजा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ के मन में एक जगह बनते जाएगी। उसके पहले ये कांड है, वो दोस्त के यहाँ जा रही है होली फंक्शन के लिए, तो पता नहीं वहाँ कुछ हो जाए या फिर वो आ जाए यहाँ फिर से होली के इसमें, तो देखते हैं वो। और दूसरी बात है कि अनुपमा भी जैसा अनवरा से बात करी तोशु को लेके, पहले उन लोगों की फैमिली में सब बातें कर रहे हैं, बापू जी भी बहुत समझा रहे हैं कि इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम उनको देखे बात गुंडे को पैसे वादे दे और ऐसा जो भी, तो अनवरा जी ने आज कहा कि मेरा यकीन करो मैंने तोशु कहा है, मुझे नहीं पता, बस फ़ोन पे कॉल बात होती है, लास्ट जब बात हुई तो मैंने उससे कहा था कि आ जाओ हम अनुज को रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी उसने कहा। तो यहाँ पे मनराज झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये बात उसको भी पता नहीं कहा है, क्योंकि अभी वो हिल गया है, जो आज किंजल के साथ जो हादसा हुआ उसकी वजह से वनराज हिल सा गया, इससे वो सच ही बताएगा, पर उसको पता नहीं। कॉल लगाने की कोशिश भी की, शायद तो वो गुंडे आ गए वहाँ पे। अब तोशु का देखते हैं कैसा, कि यहाँ पे अनुपमा ने तो ठान लिया कि कल तोशु को जरूर ये मिलेगा, ही सजा तो मिलेगी उसको, बुराई पे से उसका रंग उतर, बुराई का रंग उतर जाएगा और बच्चों की खुशियों पर रंग चढ़ेगा, जो भी उसने कहा ये हो सकता है। और दूसरी बात है कि ये होगा, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे होली खेल रहे थे दिखाया कि थोड़ा सा घबरा रही अनुपमा या किंजल कोई तो भी, तो वहाँ पे कैसा दिखा धुंधला, तो मुझे लगता है कि वो रंग वगैरह लगा के तोशु ही अपनी फैमिली के पास आया, शायद मुझे ऐसा लगता है, तो अनुपमा यहाँ उसको पकड़ेगी, यहाँ ऐसा लगता है कि तोशु खुद आएगा,
यहाँ पे कि अपने परी के साथ खेलता हूँ या अपने परी के पास जाता हूँ, जो भी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि परी को लेके घबरा रही थी किंजल वहाँ पे। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा यहाँ उसको पकड़ लेगी, क्योंकि जब लोग इन लोग जब डांस कर रहे थे ना, तो आज जो मैंने एक ऐसा वीडियो देखा कि सब लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं डांस कर रहे, तो शूटिंग का वो वहाँ पे, तो यहाँ पे सब लोग कर रहे थे अपनी जगह, टीटू वगैरह सब। तो मुझे लगता है कि वहाँ अनुपमा दिख नहीं रही है, अनुज भी नहीं दिख रहा है वहाँ पे, बाकी सब दिखते हैं, आद्या भी नहीं, आद्या तो नहीं है, श्रुति भी है ना, ये लोग नहीं दिख रहे, बाकी सब लोग डांस कर रहे थे, वनराज से लेके सब दिखे वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये हो सकता है कि तोशु के पीछे गया होगा अनुज, अनुपमा शायद तोशु के पीछे गई होगी, उसके पीछे वनुज भी जा सकता है ऐसा कुछ, बाकी अनुज आया नहीं अभी फिलहाल लोग जल्दी, इसलिए वो नहीं पता मुझे, पर यहाँ ऐसा एक उम्मीद लग रही है मुझे कि होली के दिन ही वो जो ऐसा लगा हमें परछाई जैसा, तो वो तोशु ही होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हंगामा तो होगा, ड्रामा वो होगा ही, और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात कि आज अनुज जब उससे बात कर रहा था श्रुति के साथ, तो आद्या ने आके सॉरी बोला, पर मुझे वो फेक लगा, कहीं ना कहीं श्रुति ने उसको कहा कि पप से माफ़ी मांगो, क्योंकि उसने जैसे इशारे में कहा तो मुझे ऐसा लगा, और आई तो ये वो एक मुझे लग नहीं रहा अभी कि वो, और आद्या और श्रुति की तरफ से अभी भी कुछ फ़र्क नहीं लग रहा मुझे, कहीं ना उसको अफसोस हो रहा है, ना ही उसको बुरा लग रहा है, ना कुछ, बिल्कुल नॉर्मल रह रही है कि कुर्बानी वाली बात है। तो मुझे श्रुति का थोड़ा अजीब सा लग रहा है थोड़ा, कि श्रुति अभी किस जोन में जा रही है आज कुछ भी समझ में नहीं आया। और जो उसने भांग पी है होली पे, तब उसका तो वो होगा, जैसे अनुज के पास हो, जैसे हरकतें कर रही, तो अनुज को वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अनुज को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अनुपमा भी थोड़ा देख के उसको भी पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो पता नहीं ये क्या कांड करेगी श्रुति यहाँ पे, आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पे क्या होगा, और इन लोगों का भी तो तमाशा तो बनेगा, बेचारा अनुज का भी बनेगा मुझे ऐसा लगता है। अनुज ने सही कहा अंजू जी आपने, कि अनुज ने आद्या को ये जो हॉट डैड वाला जो है ना, सच में दे रखी है 4 साल पहले, और धीरे धीरे बताता ना उसको ये सब बातें, जैसे उस समय अनुपमा से बहस ना करते आद्या को बताता, या फिर उस समय अनुज अनुपमा की बात सुन के चुप हो जाता, बस उतना हो जाता ना, तो आज शायद ये नौबत नहीं आती, बात बिगड़ती नहीं, और उस बच्ची को धीरे धीरे समझाया जा सकता था। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा देर हो गई अनुज की तरफ से, देर हो गई। और देखते शो में एक और सीन देखा क्या, जो सब लोग खुश है, टीटू भी दिखता है, टीटू का भी वो है। और दूसरी बात है कि मैंने एक वीडियो देखा था बहुत दिनों, दो कल से देख रही मैं, वो कल अनुपमा का एक स्टेज शो दिखाते हैं अनुपमा का, उसके डांस के बोलते लुक्का छुपी बहुत ही वाला सामने आ जाना, तो उस पर अनुपमा का डांस परफॉर्मेंस है, स्टेज शो है, उसकी शूटिंग दिखाई जा रही थी। तो मुझे लगता है कि अनुपमा शायद ये होली के बाद ऐसा हो सकता है, होली के बाद का ये दिखा सकता है, तोशु की गिरफ्तारी के बाद दीपू का भी वो जो आएगा ना रेस्टोरेंट का, क्योंकि बीजी और दीपू परेशान बहुत है कि कैसे बताए होली के बाद बता देते हैं। तो यहाँ अनुपमा, अभी टीटू भी आ गया है, दिया का भी साथ है अनुपमा को, तो यहाँ रेस्टोरेंट को बचाने के लिए मुझे लगता है कि वो ये कर सकते डांस, अनुपमा स्टेज शो करके एक ना जो भी करेगी, जो भी इसका शायद कोई प्राइज होगा उससे, तो वो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ उसकी जो हुनर है, उसका जो कला है, यहाँ उसका ये रेस्टोरेंट को बचाते हुए नजर आएगी अनुपमा, ये दिखाएंगे अभी, उसके बाद शादी का भी चलेगा, तो देखते हैं क्या क्या करती है। और एक बात है कि अनु शायद थोड़ी सी अक्कल आ सकती है इसको आद्या को, जब तोशु गिरफ्तार होगा ना और आद्या को पता चलेगा, तो शायद आद्या को लगेगा कि मम्मी गलत का साथ नहीं देती, और गलत को ही एक करती सजा देती है, तो मम्मी गलत नहीं है यहाँ, कहीं ना कहीं उसको अपनी माँ के लिए थोड़ा सा हो सकता है मुझे। और फिर धीरे धीरे तो देखते क्या होता है, शादी का ट्रैक कितना देर, कितने दिनों बाद आएगा और कहाँ तक जाएगा, तो भी देखना जैसा, इंटरेस्टिंग तो है अभी शो, पर ठीक है सो सो, बट ठीक लगा टोटली आज का शो, ठीक था, जैसे वनराज और अनुपमा की बातें, पेरेंट्स से माता पिता की बातें जो चल रही थी, कितना भी लल्लो झगड़ लो, बेटे की बात आई, घर में इतना बड़ा हादसा हो, तो ये एक यूनिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे जैसे सब शांत है, पाखी शांत थी, सब शांत थे, इतना बड़ा काय ना इसके साथ किंजल के साथ हुआ, तो यहाँ पे अभी फिर से वो माता पिता वाली भूमिका में दिख रहे वनराज और अनुपमा, तो अभी वो एक देखते क्या करता है वनराज, क्या कहता है अनुपमा, क्या कहती, तो ये तो अनुपमा के हाथ ही होना है, और आद्या भी सुधरेगी तो अनुपमा के साथ, क्योंकि
के साथ ही सुधरेगी। वो अनुज ने एक डांट दिया, एक अंकुश लगाया कहीं ना कहीं, पर अनुज नहीं पर अनुपमा ही सुधारेगी, वो तो लीड कैरेक्टर है। तो और देखते श्रुति का श्रुति को देखने जैसा, अभी श्रुति क्या करेगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। Hello and good evening, Anju ma'am, and good evening to all my brothers and sisters there at Hungry Spirits. Wishing you all back over there a very happy Holi. I learned that the Holi is the color festival, and I was very happy today seeing the episode. It started very interestingly. And hi Rita, I'm glad to know we both are from the same place in Kitchener. Tomorrow, if we can share our numbers, we can chat up or meet up. And let's talk about the episode now. Yeah, by the way, I wanted to let you all know, yeah, I am a Canadian. However, my husband is Indian. I do have Indian connections, but my children do not speak Hindi or the mother tongue of my husband. It's because my son has a speech problem here, so we stuck to one language. So the episode started with Anuj telling Aradhya that, look, you know, this does not give you the license to always be rude to everybody. And he will say, you cannot be going on talking about that one incident. And why don't I make it clear to you that you should have some sense? And they show Anupama. Why is Anupama taking tea for one Raj? Now she's just being too mushy and, you know, trying to be soft towards one Raj. He doesn't deserve to be, you know, thought about or loved also. Anyhow, that's their equation. And she explains to him about why has Tosho become like this, you know. And then one Raj says, yeah, since he was, you know, young, he did so many mistakes. Always he was the, you know, black sheep kind of. And Anupama says, yeah, I don't know why same children from the same parents, but two different. Yeah, but usually children are different. They both have different temperaments. Although it's from the same parents, they are different in a way, in many ways. So she says, why doesn't Toshu be like my son Summer a bit? And then so everybody was wanting to celebrate the festival is because the little girl Pari comes and tells her mom that she had a dream, she wants to play the Holi festival. And they say, yeah, why spoil the children's mood, let them play the festival tomorrow. And so then that goes to the pre-cap. In the pre-cap, they show, you were right, Anju ma'am. Actually, I think Shruti is going to take the negative way. She's going to try to force her love faster to get Anuj. And in the celebration, they show everybody is, one more thing I forgot to mention. Aradhya says that she wouldn't go to the Holi festival because she's going to her friends. I think there's something bad going to happen the day she goes to her friends. Yeah, so then Shruti tells Anuj that he was right to correct Aradhya. He needs to tell her that she cannot behave like this. But I think Shruti was not liking that Anuj is suddenly behaving like this. She has a different point of view. She's thinking that it's okay. I don't know, I somehow doubt that Shruti is the one who's feeding things in
Aradhya's mind, because if you look when Anuj is trying to explain to Shruti that, you know, as parents and guardians, we need to teach our children their culture, and just because they are growing up in a Western country, they shouldn't forget what their culture means, and at least the least they need to know is how to respect elders and, you know, follow, don't be rude. And he says, as a single parent, I tried my best, and you know, he didn't like that Aradhya is behaving like this, especially towards them. He suddenly says that I feel so disappointed as a father that my daughter is doing this. What about Anu? How would she feel? And then suddenly he notices that he mentions Anu, and then Shruti is like, it's okay, you know, as if like she's actually not liking it, but she has to simply say it's okay. And then I think Aradhya comes in, and I think Shruti has told Aradhya to come and say sorry. Aradhya comes with, I don't think Aradhya has still learned her lesson. You know, she just wants to come and say sorry because she knows if her pops doesn't talk to her, what she wants for Shruti to get married, that won't happen. So she comes and says, I'm sorry, I know I've done wrong. Yeah, you have done wrong, but whoever you've hurt, you should apologize to Anupama. You cannot behave like this. And Anuj, as a father, you know, all fathers, you know, tend to, you know, melt when their children apologize. So he says, it's okay, but do not do this again. Promise me. Yeah, so Anupama explains to Vanraj and makes him understand how grave and how serious the situation is going to be if Toshu doesn't come back. So she'll say, please call him. And then, you know, she tries to explain what it is to lose a family, and if he's his favorite son, she knows that, and but this is not good. He needs to come and, you know, face his own problems. And then Vanraj gets you know, I think Anupama's whatever she tells him, you know, it affects him. And he says, I promise I don't know where he is. He told me he will take care just to handle the situation at home, and I'm telling the truth. So then Anupama says, yeah, I believe you. And then father-in-law also tells him that, please, you know, understand the situation over here, and, you know, call back Toshu. So then the scene goes back to where Anuj is listening to music, and he's you know, recalling how Anupama was falling in the bonfire. And then Shruti comes and sits there quietly and looks at him, and then he notices she's sitting there, and she says, nice song. And she, and then Anuj explains to her that, you know, as parents, as guardians, we need to teach our children what is culture. And, you know, so she'll say, Shruti'll say, it's not her Aradhya's fault, she's brought up here. He says, no, but you and I have also been brought up here. Have we forgotten our manners? Do we disrespect our elders? Yeah, so the episode continued with Anuj trying to explain to Aradhya the day of the incident, and tells her that there might be a reason, is because she couldn't save you first, is because the car might have fallen in the, you know, down in the hill, or what about this accident. That is why she would have saved you last. But do not be going on playing. I understand that it's a trauma, but you have to also understand that this does not give you the right, just because you went through that trauma,
to be rude to everybody. And then he says, this is not my upbringing, not Shruti's upbringing, not your mom's upbringing. And I do not like how you are just speaking rudely. And then Anuj tells her, if you think that you are stubborn and, you know, continue to do what you want, then I am stubborn too. After all, I'm your dad. I'm double stubborn than you. So if you continue to behave like this, I would stop talking to you. And I mean it. I would never talk to you again. So then the scene goes to Shruti, and then Shruti looks at her and says, you were calling for it. So now face it. And then after that, the scene goes to the Shah family when everybody comes back home, one Raj and Ba and all the children. And then Anupama explains what happened over there. And then Anupama tells one Raj that anybody can be kidnapped. We have children in the house. We have women in the house. And if they come tomorrow and shoot, you already know what it is to lose somebody by shooting. Anyhow, so I feel because Anuj was looking very oddly, he's not liking that she wasn't coming with them for the festival. Yeah, so I'm talking about the pre-cap. In the pre-cap, they show how they are celebrating the festival, and Deepu's mom is telling Deepu, you have to tell the truth to all the employees and everybody about the restaurant situation. And then Anuj comes in, and you know, Shruti, I think she's drunk. She's trying to force herself in Anuj, and Anuj is feeling uncomfortable. Anupama is looking at him. So I think there's going to be a full-on drama. I love it. Let's see what the episode brings us tomorrow. Thank you, ma'am, once again. And thank you to all. Love you all. Enjoy. नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते. और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच, और इतनी लवली डिशेज के लिए अप्रिशिएट करने के लिए भी थैंक यू सो मच. वाह अनुज, आपको याद है अनुपमा ने एक्सीडेंट कैसे हुआ था? छोटी को सब कुछ याद है अनुज. जो अनुपमा ने बताया यही सही था, 100% सही था. बिल्कुल सही कहा ना? सही कहा, अनुपमा नहीं होती, कोई और भी होता तो भी बचाता. सही कहा ना, ये अनुपमा की नहीं, श्रुति की परवरिश नहीं है. ये आप कहाँ से सीख रही है पता नहीं, बड़ों से बदतमीजी करना या विक्टम कार्ड खेलने की कोशिश की तो मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगा. आप जिद्दी है तो मैं भी जिद में आपका बाप हूँ. सही कहा श्रुति ने कि तुमने अपने पापा के पेशेंस को बहुत ट्राई किया है, उनके सब्र का बांध टूट चुका है. ये तुमने सही नहीं किया आद्या. नहीं बा, आपके लाडले पोते के फ्रेंड आए थे अनुपमा को ही. अनुपमा हो ही जाता तो अच्छा था, अच्छा होता. तब इस घमंडी सा को पता चलता कि उनसे अपने बेटे को बचाना जो है, अनुपमा बच्चे किडनैप कर ले कर किडनैप करके लेकर जाते, तब इस वनराज को फिर कोई फर्क नहीं पड़ता पड़ेगा. अपने आप को तोप जो समझता है. बापूजी ने सही कहा कि समर को खो दिया, अब बाकियों को खोने की ताकत है. हमारे पास ना पैसे है उतने, ना लड़ने की ताकत. मैं सबको समर की याद आ गई. इस सीन ने रुला दिया काव्या. सब लोग समझा रहे, आज किंजल भी वनराज के पैरों में गिर गई. चलो थोड़ी तो अकल आई तो देखते हैं वनराज बुलाता है या नहीं. वनराज गुंडों से मिला था, तब भी धमकी दी थी गुंडों ने, फिर भी अभी भी यही कह रहा है कि मुझे पता नहीं है कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी. तब करते वनराज, तुमने जो किया उसके बाद आप पर भरोसा करना मुश्किल है. परी डर कर बाहर आ गई. लो एक और नई बात पता चली कि परी ने कोई त्योहार ही नहीं मनाया है. चलो परी का होली खेलने का ड्रीम पूरा होगा. अगर पहले ही तोशु को नहीं भगाते तो तुम्हारी और तोशु की वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई ही
नहीं होती। अनुपमा ने सही कहा कि बच्चों को होली खुशी मनाने का हक है। लो भगोड़ा तो सिर्फ दारू पीना, गुंडों के साथ दोस्ती रखना ही रखना है। अब घर वालों की याद आ रही है तुम्हें? तुम फैमिली में रहने के लायक ही नहीं हो। खुद की बेटी की जान खतरे में डालकर यहाँ छुपा बैठा है। अब तोशु भी होली की पार्टी में आया है। वो गुंडे भी कह रहे हैं कि कह दिया कि दूसरी बार दिखेगा या घर जाएंगे तो शूट कर देंगे। मनाने का हक। अनुज को वो सीन याद आ रहा है, अनुपमा आग में गिरने वाली थी। अनुज क्यों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके नहीं बैठता है? लो श्रुति आ गई अनुज के पास। गाना भी बहुत अच्छा बज रहा है। हाँ, हमारे आशिक जी का प्यार ही तो खो गया है, तो अनुज उसे भी अच्छी परवरिश देते तो क्या जो बच्चे बाहर देश में पलते हैं तो क्या बदतमीजी करना सीखते हैं? देश कोई भी बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं भूलते। देश कोई भी हो लेकिन बड़ों रिस्पेक्ट करना नहीं भूलते, भूलना चाहिए। और छोटी तो बहुत ही मैच्योर थी ना अनुज, तुम संस्कार देने में चूक गए। वो लड़की कभी नहीं सुधरेगी। रहने दो अनुज, तुमसे कुछ नहीं होगा। मुझे इतना बुरा लगा तो अनु को आगे बोल ही नहीं पाया, क्यों बोलते बोलते रुक गए। लो आ गई आद्या मैडम अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने अपने पॉप्स के पास। वाह आद्या, ये जो कुछ भी कह रही हो ना वो तुम कल तक भूल भी जाओगी। लो मांग ली माफी और अनुज ने भी माफ कर दिया। देखते हैं आद्या तुम इस बात पर कब तक टिकी रहती हो। और श्रुति के ऊपर भी अनुज की बात का कोई असर नहीं हुआ है। अच्छा है आद्या, तुम जाना भी मत, क्योंकि तुम त्योहार सिर्फ खराब करोगी चाहे कुछ भी हो। आखिर में अनुपमा की बात को समझ ही जाता है। और आखिर में अनुपमा ही अपनी परेशानी बताते हैं। सही कहा अनुपमा की माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहते हैं। वनराज शाह तुम्हारी नक्शे कदम पर चल रहा है क्योंकि तुमने उसकी हर बुरी आदत को बढ़ावा दिया है, कभी सजा नहीं दी उसे। सही कहा अनुपमा ने, एक ही मिट्टी एक ही माली लेकिन हर पौधा अलग अलग है। अनुपमा, समर को संस्कार तुमने दिए। समर तुम्हारा लाडला था, तुम्हारी छत्र छाया में था, इसलिए वो उसने तुम्हारे पूरे संस्कार आए हैं। माँ बाप बच्चों का भाग्य नहीं लिख सकते और नहीं उसे बदल सकते हैं। बड़े होने के बाद बच्चे अपनी ही अलग राह चुनते हैं। तोशु को बा और तुमने बिगाड़ा है, उसकी हर मांग पूरी करके उसे बिगाड़ा है। जो श्रुति ने भांग पीकर अनुज के साथ जबरदस्ती वाली हरकतें चालू कर दी। लो हो गई टीटू की एंट्री और तोशु भी आया है यहाँ पर। बापूजी अनुज के पास जाते हैं और उसे डांस करने को कहते हैं। तब वो नाचता है बच्चों के साथ, डांस करता है और श्रुति की वजह से अनुज ऑकवर्ड हो रहा है। टीटू को देखकर वनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। आज श्रुति की डांस वाली हरकत से माया की भी याद आ गई। इसी तरह अनुज के साथ डांस करने आ गई थी समर की शादी के टाइम। और एक बात, अनुपमा शायद डांस कंपटीशन में भाग ले रही है, उसके डांस की शूटिंग चालू है। और जब अनुपमा 25 साल के बाद होली खेली थी तब उसने भांग पी थी राखी दवे की गलती की वजह से। काव्या को देना चाहते थे कि गलती से अनुपमा पी लेती। और दूसरी बार होली में वनराज ने धोखे से अनुज को भांग पिला दी थी ड्रिंक में डालकर। और अब श्रुति पीने वाली है। कल बेटी ने शर्मिंदा किया अब श्रुति शर्मिंदा करेगी। आज श्रुति शर्मिंदा करेगी। श्रुति वरिड कहीं छोटी के मन में अनुपमा के लिए मिस अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया तो उसका पत्ता साफ। और आज सुबह का रिव्यू, कूल डैड से हॉट डैड बनने में बहुत देर कर दी अनुज ने, नहीं सुधरेगी आद्या। जो इल्ज़ाम आद्या लगाती आ रही है आज तक एक्सीडेंट के बाद से, वही इल्ज़ाम लगाकर
तो अनुज ने झगड़ा किया था अनुपमा से और वो घर छोड़कर चली गई थी, तो फिर अब क्यों समझा रहा है? या बेटी ने इल्जाम लगाया कि मेरा हाथ छोड़कर मम्मी का हाथ क्यों पकड़ा, तब अनुज को एहसास हुआ कि बिना बात के इल्जाम लगे तो कैसा लगता है। ये सब बातें उसको 5 साल बाद याद आ रही है, उस टाइम जब अनुपमा रो रही थी, गाड़ी खाई में गिर जाती, तब अनुज को समझ नहीं आया। बच्चों को समझाया जाता है, एक्सीलेंट अनुज, बहुत जरूरी था आद्या को डोज देना। अनुज को ये आप लग रहा है, वो ये डिजर्व नहीं करती आद्या, फिर भी नहीं सुधरेगी। लो, टीटू होली पार्टी में चीफ गेस्ट के रूप में डांस करने आया है। वनराज के ताने ही ले जाएंगे अनुपमा की उड़ान को ऊंचा। इसकी शुरुआत हो गई है शायद। क्यों, अनुपमा डांस में ही आगे बढ़ेगी। डांस की शूटिंग शुरू हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज, हमने सोचा था कि अनुज अनुपमा एक दूसरे को रंग लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो रंग लगाना दूर, एक दूसरे से बात भी नहीं की, सिर्फ आंखों आंखों में बात हुई और अनुज वहां से चला गया। और जब टीटू डिम्पी को रंग लगाने जाता है, तब वनराज देख लेता है और टीटू जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है, वनराज उस हाथ के ऊपर ही ऊपर की तरफ अपना हाथ मार देता है, तब वो लाल रंग डिम्पी की मांग में भर जाता है और वनराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अनु दोनों को संभाल लेती है और अनुज ये 5 साल पहले छोटी को समझाया होता तो आज अनुज और अनुपमा एक साथ होते। आज तोसु भी उसी होली पार्टी में आया है, मुंह पे पूरा गुलाल लगा के, अगर ध्यान से प्रक्षेप देखा होगा तो। और एक बात, अनुज और अनुपमा ने एक दूसरे को रंग भी नहीं लगाया। क्यों कपाड़िया जी, बात भी नहीं की, वहां से साइड होके चला जाता है अनुपमा के पास से। और श्रुति देखते हैं, श्रुति को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं चाहे कितना भी कर लूं, लेकिन अनुज के दिल में सिर्फ अनुपमा ही रहेगी, इसीलिए शायद वो भांग पी लेती है। इस सीरियल में ना हर बार किसी ना किसी को भांग पीनी है और तमाशा करना है, और जो श्रुति हरकतें कर रही थी बिल्कुल माया ट्रैक जैसा लग रहा है मुझे। आज सच में बहुत अच्छा लगा। बापूजी भी डांटे कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, अपने बेटे को बुला बुलाता है, फोन लगाता है, लेकिन उठाने जाता है उससे पहले वो गुंडे देख लेता है, इसलिए वो छुप जाता है। लेकिन कब तक छुपोगे? लेकिन आज जो अनुज ने स्टैंड लिया है ना, फैंटास्टिक स्टैंड लिया है। सही कहा, जिद में तो वो भी बाप है, लेकिन इस लड़की को दिल से माफी नहीं मांगी इस लड़की ने, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही माफी मांगी है। अगर दिल से माफी मांगी होती और सोचती अपने पापा के बारे में, तो शायद एक बार सोचती अपने पापा के बारे में कि वो कितना दर्द में है, जब उन्होंने कहा कि आपके लिए कुर्बानी दे रहा हूं, इस शब्द का भी उसे कुछ समझ में नहीं आया इस लड़की को। देखते हैं अब आगे क्या दिखाते हैं, लेकिन अब होली पार्टी में बहुत मजा आने वाली है, क्योंकि टीटू डांस करते करते अनुपमा के भी पैर छुएगा, बा और बापूजी के भी छूने वाला है, और वनराज के पास भी जाएगा, लेकिन वनराज अपने पैर हटा लेता है। अब भी मैंने उनका इंटरव्यू देखा है ये वाला, उसमें ही सब कुछ बताया कि अनुज और अनुपमा को भी दिखाया। चलो, अनुपमा का लुक भी आ गया। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं सीरियल में। मेरी सभी बहनों के कल ऑडियो अच्छे थे। एबी गिल जी, आप अपना प्लीज ध्यान रखिए और अच्छे से दवाई लीजिए। और अंजू जी, थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और मेरी सभी बहनें आज भी खेलिए, लेकिन मैं होली नहीं खेलती हूँ, क्योंकि इससे बहुत कुछ जुड़ा है मेरा, क्योंकि इसी होली में मैं मरते मरते बची हूँ, इसलिए मैं होली नहीं खेलती। बचपन में हादसा हुआ था मेरे साथ, कल बताऊंगी मैं। थैंक यू। मेरा मुंह से लेके पूरा पेट तक, मेरी सहेली के घर में होली खेलने गई थी, तब उसकी जो पानी की टंकी होती है सीमेंट की बनी, उसमें मैं गिर गई थी। और उस टाइम सब लोग होली खेल रहे थे, वह उस जगह पे कोई नहीं था। मैं 20 से 25 मिनट तक उसी पानी में रही हूँ, मुंह से ना मेरा हाथ ऊपर जा रहा था, ना मैं कुछ पकड़ सकती थी, कुछ भी नहीं। वो तो
अचानक से मेरे फ्रेंड की मम्मी आ गई उस अचानक से मेरे फ्रेंड की मम्मी आ गई और उन्होंने मुझे जल्दी से खींच लिया पीछे से, तब जाकर मैं बाहर निकली हूँ। मुझे बाहर खींच लिया इसलिए मैं बच गई, नहीं तो शायद उसी दिन मैं मर जाती। तब मैं शायद 5वीं या 6वीं में थी। थैंक यू अंजू जी, कल अनुज को श्रुति शर्मिंदा करेगी। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके मोटिवेशनल एंड लवली कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अंजू जी, आपके लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आपकी और हंग्री स्पिरिट के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगी कि हवाओं के साथ अरमान भेजा है, नेटवर्क के जरिए पैगाम भेजा है, वो हम हैं जिसने सबसे पहले होली का राम राम भेजा है। और मेरी सभी प्यारी बहनों के लिए भी एक लाइन बोलना चाहूँगी, आज मुबारक कल मुबारक, होली का हर पल मुबारक, रंग बिरंगी होली में हमारा भी एक रंग मुबारक। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा, अनुज ने सच्चाई बताई तो है आद्या को कि अगर छोटी को बचाती अनुपमा पहले तो पूरी गाड़ी खाई में गिर जाती, याद है? अनुज के एक एक शब्द में सच्चाई है। आद्या को सब पूरा याद आ जाता है, एक्सीडेंट वाला सीन। श्रुति एक टक देखे जा रही है अनुज को, क्या बात कही अनुज आज आपने कि कोई मरे जिए पर सारी इम्पोर्टेंस आपको मिलनी चाहिए, क्यों? आज सही से इसके चक्षु खोले अनुज तुमने, सच में सही कहा अनुज ने कि आज अनुपमा की जगह कोई होता उसको बताता, क्योंकि तुम्हारी खुशी से ज़्यादा जान इम्पोर्टेंट होती है, पर सारी इम्पोर्टेंस तो तुमको मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा कहा, आज एक एक कर जो धोया है आद्या को अनुज ने, कमाल कर दिया। श्रुति हैरान होकर अनुज का रूप देखे जा रही है। अब तो श्रुति तुम गई काम से, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो आद्या, और जितना जल्दी हो सके सुधर जाओ, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा, समझी दादी अम्मा? बेटी बनकर रहो। बहुत अच्छा वादन किया आज अनुज तुमने आद्या को, तालियां बजाने का मन कर रहा है। अनुज इज बैक, बहुत दिनों बाद वापस आया पुराने फॉर्म में, पर आया, बहुत अच्छा लगा। श्रुति के एक्सप्रेशंस का तो क्या ही कहें, वाह बहुत खूब कहा अनुज आद्या से कि अगर आपको लगता है कि आप जिद्दी हैं तो ये मत भूलना कि जिद में मैं आपका बाप हूँ। मज़ा आया सुनकर, अब चूहिया बनी खड़ी है आद्या, यही डोज की ज़रूरत थी आद्या को। अब क्या करोगी आद्या मैडम, ना वनराज को कुछ समझ आता है और ना ही तुमको अनुपमा कुछ एक बार में समझ आता है। शुक्र मना रही हो भगवान का कि बच्चे नहीं थे, अगर पहले ही पुलिस स्टेशन चली जाती तो। बापूजी ने भी सही कहा, तो उसको गुनाह कबूल कर ले। आज समर की डेथ का सीन फिर से आंखों के सामने आ गया, हमको अच्छा नहीं लगा बिल्कुल, यादें ताज़ा हो गई। अनुपमा का इस वनराज के आगे हाथ जोड़ना बहुत खराब लगता है सच में। चलो किंजल को याद तो है कि डर की वजह से इंडिया छोड़ा था, पर डर यहाँ भी है, अब किस दुनिया में जाओगी? और चोरी कर तो सू ऐसे ही भागता फिरेगा, आज तक एक काम अच्छा नहीं किया इस दोषु ने। अनुपमा को कितना स्टेमिना आ जाता है वनराज को समझाने का, और वनराज सा समझ भी गया। फोन गया वनराज का तोसु के पास, तोसु उठाने ही वाला था, तब तक गुंडे आ जाते हैं। तोसु फोन नहीं उठा पाता है और तोसु को गुंडे गोली मारने को तैयार हैं अगर उसको मिल गया तो। वनराज ने अपनी बात बता दी, हमको नहीं पता तोसु कहाँ है। अनुज यादों में अनुपमा की कि किस तरह दीपू ने अनुपमा को बचाया। अनुज अपनी परवरिश पर प्रश्न कर रहा है, उस पर श्रुति का कहना, आद्या की इसमें क्या गलती है, समझ में नहीं आई ये बात भाई श्रुति की। अनुज ने जितनी भी बातें की बच्चों के बारे में श्रुति से, सब एक एक बात सही कही। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये श्रुति की भी क्लास थी। मन की बात कह गए कपाड़िया जी फ्लो फ्लो में कि सोचो मुझे इतना बुरा लगा है तो अनु को कितना बुरा लगा होगा, कहते कहते श्रुति को देखने लगे अनुज। श्रुति का चेहरा देखने लायक था। श्रुति तुम कहीं फिट नहीं बैठ रही हो अनुज की लाइफ में,
और सॉरी मत बोला करो अनुज। आद्या सॉरी बोलने को आई पर हिम्मत शायद नहीं कर पा रही थी, तो श्रुति ने इशारा किया तो आद्या पॉप से सॉरी बोल रही है। अब आद्या ने एक्सेप्ट किया कि जो भी मैंने बोला सब गलत किया, पर हमको नहीं लगता है कि आद्या अंदर से सॉरी फील कर रही है। अनुज का कहना जो आज किया दोबारा नहीं होना चाहिए। अब आद्या अपनी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी में फंसेगी, कुछ बुरा होगा शायद, ऐसा हमको लग रहा है। श्रुति ने तुरंत आद्या को वहाँ जाने को बोल दिया पर अनुज शांत है। और यही बात हमको बहुत खराब लगती है अनुपमा की कि चाय लेकर आ गई महारानी। बाकी सब मर गए हैं क्या जो कोई चाय नहीं दे सकता है? अब कैसे मिमिया रहा है वनराज शाह? अब कहाँ गई इसकी हेकड़ी और अकड़? हमको अच्छा नहीं लगा इन दोनों की बात करना। और प्री कैप देखा, बीजी परेशान है और कह रही है कि त्यौहार के बाद हम सब कुछ बता देंगे। और टीटू भी आ गया है, डिम्पी के चेहरे खिल गया है डिम्पी का। डिम्पी कह रहा है किंजल परी को समझा रही है। तोशु आ गया है और शायद वहाँ गुंडे आए हैं कि पुलिस आए हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। अनुज और श्रुति भी आ गए, मस्ती में सब डांस कर रहे हैं और श्रुति को भांग चढ़ गई है शायद। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू मैम आपको और मेरी सारी प्यारी बहनों को हैप्पी होली। आज का एपिसोड देखा अच्छा लगा। आज अनुज का आद्या को समझाना और दोबारा से एक्सीडेंट वाली बात दोहराकर आद्या को समझाना कि अगर अनुपमा तुम्हें आगे लेती तो गाड़ी खाई में गिर जाती, बट अनुज तुमने थोड़ी देर कर दी इस लड़की को समझाने में। ये लड़की को सिर्फ अपनी ही पड़ी है, इसके लिए कोई जिए कोई मरे इसे अपने सिवा कोई और नहीं दिखता है। आज मैं अनुज की बातों से एग्री करती हूँ, आज जो भी उसने कहा आद्या को समझाने के लिए। आज उधर श्रुति के कहने पर आद्या ने अपने पॉप से माफ़ी मांगी। ये सब इसका नाटक है अनुज, अभी ये तुम्हें आगे और हर्ट करेगी। ये जो कर रही है तुमसे सिर्फ अपने दोस्तों के साथ होली सेलिब्रेट करने के लिए, तुम्हारे आगे झूठी मूठी रो रही है, तुमसे माफ़ी मांग रही है। और उसमें भी ये बुरी तरह फंसेगी जो ये दोस्तों के साथ जा रही है, कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी जिससे तुम्हें पछताना पड़ेगा कि तुमने इसे क्यों भेजा दोस्तों के साथ। उधर श्रुति का भी आद्या की हाँ में हाँ मिलाना, माँ ऐसी नहीं होती कि जो अपने बच्चों को अपनी आँखों से ओझल करके खुद होली सेलिब्रेट करने के लिए चली जाए। आज उधर केंजल का डर और अनुपमा का भी डर हमने सब ने देखा अपने परिवार के लिए। आज अनुपमा ने वनराज से कहा भी, जो भी कहा उसने बिल्कुल सही कहा कि कल को अगर कुछ हो जाता, गोली चल जाती, उसे चाकू लग जाता तो हम क्या करते, इसलिए अब तोशु को जल्दी से जल्दी जहां बुलाओ। वनराज को भी ये एहसास है कि उसने जो भी किया है वो गलत है। अगर अब भी मैंने अपने बेटे को जहां नहीं बुलाया तो बहुत देर हो जाएगी। तोशु कुछ भी कर सकता है, कहीं कोई बहुत बड़ी गलती ना कर बैठे। उधर आज अनुज की एक बात और मुझे अच्छी लगी, जब उसने आद्या से कहा कि ये तो ना ही श्रुति की सीख है और ना ही आपकी माँ के संस्कार हैं और ना ही मेरी परवेश। अनुज ये सब कुछ मालती की पट्टी पढ़ाई हुई है, जो आद्या ऐसी बन चुकी है और ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। प्री कैम्प में देखा तो सब होली सेलिब्रेट करने पहुँच गए थे और टीटू भी वहाँ आ गया था। उधर श्रुति का भांग पीकर अनुज के सबके सामने ऐसे टच करना सच में बहुत बुरा लगा, जबकि वहाँ सब बड़े बुजुर्ग खड़े थे। श्रुति की इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया कि अनुज को सबके सामने ये क्या कर रही है। अनुज को भी इस बात पर गुस्सा ज़रूर आएगा बाद में। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया श्रुति का ऐसा अनुज के साथ करना। उधर अनुपमा भी देख रही थी श्रुति को, देखते हैं आगे अनुज क्या करता है ऐसी हरकत देखकर श्रुति की। और टीटू का आना और बावनराज का गुस्सा देखने वाला होगा कि जहाँ टीटू भी आ गया है। मैंने सोचा था कि शायद अनुज और अनुपमा का कोई अच्छा सीन देखने को मिलेगा, बट नहीं, जहाँ तो श्रुति ने ही रंग में भंग डाल दिया। उधर पाखी का भी जो फ्रेंड है वो भी जहाँ पहुँचने वाला है और बाब उसे देख लेगी उससे बातें करते हुए, और ये भी लड़की कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देगी अनुपमा के लिए। जो उसका फ्रेंड है वो तो सामने से ही दिख रहा है कि कैसा है वो। और
उसके बाद मुझे एक और बात करनी है कि मैम, मैंने इंस्टा पर देखा था कि अनुपमा एक डांस शो करने वाली है, बहुत बड़ी स्टेज है वहाँ पर, और वहाँ पर वो गाना चल रहा होता है लुका छिपी बहुत हुई, उस पर शायद डांस करेगी। देखते हैं हमें ये सीन कब देखने को मिलता है। बस आज थैंक यू अंजू मैम, इतना ही कहना था। सर अंजू जी, मेरी तरफ़ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज रंग खेलते हैं, होली खेलते हैं सब, तो ये आप सभी के जीवन में खुशियों के रंग भरे रहे। और आप सभी के, हम अंजू जी, आपसे जुड़े आपके सभी परिवार के सभी सदस्य और हंग्री स्प्रिट चैनल से जुड़े सभी सदस्य के जीवन के दुख दरिद्र कल के होली की अग्नि में दहन हो जाए और आप सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ। मैंने आज का धारावाहिक भी देखा और आपका वीडियो भी देखा कि वनराज के ताने ही अनुपमा को ऊंचाई पर लेके जाएंगे। उसमें आपने बहुत अच्छे से बताया कि वनराज जब जब अनुपमा के पैर खींचकर गिराने की कोशिश करता है और अनुपमा को वैसे भी कुछ समझता नहीं है, लेकिन अनुपमा हर बार उसके तानों का जवाब भी देती है और उसे पता चलता है कि उसकी कमजोरी कहाँ है, वो उस कमजोरी से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। मैंने आज का धारावाहिक भी देखा। आज के धारावाहिक से जो वनराज और अनुपमा की जो बातचीत दिखाई गई कि हम मिडिल क्लास लोग ये, और मुझे ही नहीं मालूम था कि इतना बड़ा हो, तो मैं अंशू जी आप ही के माध्यम से पूछना चाहूँगी कि वनराज ने गुंडों से तोशु को बचाया था, तब फिर उसने क्यों नहीं सोचा कि अगर मैं तोशु को भगा देता हूँ अभी मैं पुलिस से बचा सकता हूँ, लेकिन गुंडों से अपने परिवार की रक्षा कैसे करूँगा, ये इसकी समझ में क्यों नहीं आया है। अगर वो कह रहा है कि मुझे मालूम नहीं है, सच है, मान लिया कि तोशु के से उसकी सिर्फ फ़ोन पे ही बात हुई थी, उसे नहीं मालूम होगा, ठीक है, लेकिन उसे ये सोचना चाहिए था। और बस अनुपमा ने उसे पकड़वाने के लिए कहा इसीलिए मैं उसके भागने में मदद करता हूँ, या तोशु ने कहा कि आप पापा मुझे यहाँ से भागने में मदद करो, बाकी यहाँ का संभाल लो, तो खुद की बुद्धि का उपयोग वनरक्षा को करना चाहिए था। और उधर आज अनुज ने आद्या को बहुत अच्छे से समझा दिया कि अगर अनुपमा की जगह कोई और गिर गया होता, वो भी मैं तुम्हारे हाथ छोड़कर उसे उठाने की और कोशिश ही करता। और ये मत समझो कि हर जगह आपको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, कोई तकलीफ में है तो उसे पहले इंसानियत के नाते, और मैंने श्रुति ने या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए थे। आज आद्या को लगा थोड़ी देर के लिए कि वो गलत है, और उसने वो भी इसीलिए कि उसको लगा कि श्रुति भी अब कह रही है कि हाँ पेरेंट्स को कई जगह स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और अनुज ने आज एक बात और की, आप सभी ने नोटिस की होगी कि अनुज ने यह कहा कि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ। उस समय भी श्रुति का चेहरा देखने लायक था अंजू जी, कुछ अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसने आद्या को कह दिया कि हमने ऐसा नहीं सिखाया था, और एक्सीडेंट की बात भी बोली कि तुम्हारी मम्मी ने कहा था तुम सही गलत, कौन सही गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर तुम एक ही बात को पकड़ के रखोगी तो आगे मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर आद्या थोड़ी देर के बाद माफ़ी मांगने आई, लेकिन वो किस लिए माफ़ी मांगने आई अंजू जी, आप सभी का ध्यान होगा कि उसको उससे फ्रेंड्स से मिलने जाना है, या उसके फ्रेंड्स को नाइट ओवर पार्टी के लिए यहाँ गर्ल्स भी है बॉयज़ भी है सबको बुलाना है, तो अगर वो अभी वो उसी अपनी बात पे अड़ी रहेगी जिद पे, तो फिर उसके पापा उसके फ्रेंड्स को घर पे नहीं आने देंगे। और कल श्रुति ने कहा कि कल हम लोग होली मनाने जाएंगे, तब उसके चेहरे के हाव भाव यही थे कि पॉप्स आप उस अनुपमा के पास में मत जाना, वो अनुपमा से अपने पॉप को दूर रखना चाहती है। और इधर किंजल के घर पे सब आते हैं तो बा और चोर आए थी, बा पहले देखो पूछो, सीधे सीधा बड़बड़ करने लगती हैं आप, और आज पाखी के मुंह से क्यों एक शब्द भी नहीं फटा अंजू जी।
मुझे तो आश्चर्य लगा और परी ने कहा कि मैंने एक बुरा सपना देखा कि आप मुझे होली खेलने नहीं दे रहे हो, हम सबको बच्चों को बंद कर दिया एक कमरे में। परी का ये सपना नहीं पर सच में ये किंजल का एक तरह से डर भी होगा और परी को जो सपने में देखा। वनराज ने आज बच्चों से प्रॉमिस तो कर दिया है कि हम आपकी होली नहीं बिगड़ने देंगे और अनुपमा ने भी कह दिया है कि आपका लाडला था आपने बहुत, आज वनराज ने सब कुछ कबूल किया अनुपमा के सामने, लेकिन अब पता है क्या हो, अब चिड़िया चुग गई खेत और वो लोग गुंडे तोशु जहाँ बैठा है वहीं पे पहुँचे और वो लोग आपस में बातचीत भी कर रहे हैं कि पारितोष शाह जहाँ मिलेगा उसको हम मार डालेंगे। पारितोष शाह को गुंडे अगर मार भी देते हैं तो उनसे उनको क्या मिलेगा, पैसे तो उनके बाकी ही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जैसे कि बापूजी ने कहा कि इसको पुलिस के हवाले कर दो तो और उन गुंडों की कंप्लेन भी कर दो ताकि हम लोग शांति से रह सके। और अनुपमा ने जब वनराज को ये कहा कि पारितोष तुम्हारा बेटा है तो ठीक है, लेकिन क्या किंजल हमारी बेटी नहीं है, परी हमारी बच्ची नहीं है, तो इसके चलते अब वनराज शाह को और काव्या डिंपल सब ने बोला, बा के मुंह से एक शब्द भी नहीं फटा कि तू तो वशु को बुला ले। क्यों बा, बड़े लोग ऐसे होते हैं कि गलत को गलत बोलना आना चाहिए ना बा, अभी आपको अब कहना चाहिए कि नहीं बन रहा, जब तू कुछ भी कर तोशु को तू ही बुला सकता है। बा ने एक शब्द पे भी नहीं कहा। ये ऐसे बड़ों को देखकर मुझे आश्चर्य होता है अंजू जी। और कल के आने वाले प्रोमो में यशदीप जी को बीजी ने पूछा कुछ हुआ क्या, सबको बता देते हैं तो यशदीप जी कह रहे हैं कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन त्यौहार जाने के बाद में बताएंगे क्योंकि हम अपनी वजह से किसी और का त्यौहार नहीं बिगाड़ना चाहते। ये इन लोगों की कितनी अच्छी सोच है। और उधर अनुपमा ने भी कहा कि तोशु के अंदर की बुराई खत्म होगी और उसको आना ही पड़ेगा, और बच्चों को हमारे चेहरों की तो मुस्कुराहट चेहरे की रंग तो फीके पड़ चुके हैं, लेकिन बच्चों के जीवन के रंग हम फीके नहीं होने देंगे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे अनुपमा का कि बच्चों को ये लोग तेरा एंजॉय करने ही देंगे। और ये लोग सब आए हैं टीटू सहित सबका डांस वगैरह। अनुज को शायद अनुपमा ने पहला रंग लगाया या किसी और का हाथ था, पर श्रुति के हाथों अनुज को रंग नहीं लगाया ये पक्का है। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। रानी जी तहे दिल से आपका थैंक यू, और थैंक यू सो मच जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन। हेलो अंजू जी नमस्ते, पूर्वी बोल रही हूँ। मेरी माँ अक्सर एक कहावत बोलती थी कि या तो कुएं के पास चले जाओ और अपनी प्यास बुझा लो, या तो कुएं को अपने पास बुला लो और अपनी प्यास बुझा लो। वैसे देखे तो कुआ कभी प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे ही कुएं के पास जाता है। हाँ, ये अक्सर हो सकता है कि कुएं में रहा पानी वो हम घड़े से निकाल कर अपने पास लेकर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी पानी लेने तो कुएं के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये शाह परिवार वाले जो है वो सारे वैसे ही है, वो सारे वो प्यासे हैं जिसको अनुपमा यानी कुआ चाहिए। सारे अपने अपने मोटिव से अनुपमा के पास गए हैं। अनुपमा की जो भी मर्जी हो ना हो, वो इस माहौल में इस समय पे वो कोई ध्यान नहीं देता और ना आगे कोई ध्यान देगा भी, क्योंकि राइटर ने वो कुएं की क्या मजबूरी है, क्या खुशी है, क्या उसके संजोग थे, क्या संजोग नहीं थे, कहाँ उसको आगे बढ़ना है, कहाँ नहीं बढ़ना है, वो तो राइटर ने लिखा ही नहीं है बिल्कुल। राइटर की नज़रों से अनुपमा जो जिस नाम का ये सीरियल चल रहा है वो सीरियल बिल्कुल छूट गया है। वो कैरेक्टर तो है लेकिन कैरेक्टर का जो गुण होना चाहिए वो गुण नहीं है इसमें। वो यही औरत है जो रोती धोती पूरा दिन अपनी पूरी जिंदगानी को ठीक ठाक करती, लड़ाई में पड़ी हुई है, लेकिन पहले से लेकर लगभग 3.5-4 साल हो गए अनुपमा को, हमने कभी भी अनुपमा को एक खुशी की जिंदगी बिताते हुए नहीं देखा।
आज भी नहीं देख रहे, पता नहीं वो वक्त आएगा कि नहीं, राइटर के दिमाग में वो प्लान है कि नहीं, वो हम नहीं बता सकते। लेकिन आज की घड़ी से देखे तो सारे ये जो प्यासे हैं अनुपमा के अगल बगल घूमते हैं, सब अपने अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और सोचते हैं कि जैसे अनुपमा बोलेगी उसके मुंह से एक शब्द भी मिला या निकला तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। जहाँ वनराज है तो वनराज ने एक बात तो सही कही, उसने बोला कि देखो श्रुति को देखो और तुमको देखो। बात बिल्कुल सही है, हम भी इतने इस वक्त से बोल रहे हैं कि अनुपमा के कैरेक्टर में आप चेंजेस नहीं ला रहे हो, लेकिन कम से कम उसके हुलिये में तो चेंज लाओ। वही बिखरे हुए बाल, वही साड़ी, वही स्वेटर, कोई बदलाव नहीं। मैं मानती हूँ कि अमेरिका में जाकर उसके पास इतने मनी नहीं होंगे, लेकिन एक वक्त पे उसने कॉलेज ज्वाइन की थी, एक वक्त पे उसने इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन किए थे, कुछ भी नहीं बदलाव दिखता है, कुछ भी नहीं। अमेरिका में आई है लेकिन फिर भी अमेरिका में आने के बाद भी जो बदलाव होना चाहिए वो बदलाव नहीं आया है। इंसान को ये कहते हैं कि अपना जैसा है वैसे ही हुलिया रखना चाहिए, सिंपल है तो सिंपल रहो, फैशनेबल है तो फैशनेबल रहो, जो है सो रहो, वो बात अलग है। लेकिन व्हेन यू आर गो फॉर वर्क, जब आप जॉब पे चाहते हो तो ऐसे बिखरे हुए बाल और चोटी कहीं पर है, कहीं पर गुथनी है, कहीं पर स्वेटर है, तो वैसे नहीं जा सकते। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। ये मेन बात है जो राइटर्स बताना भूल गए हैं। कम से कम एक एटीट्यूड तो होना ही चाहिए कि उसको लगे कि हाँ बंदा अमेरिका में काम करता है। हम फैशन की बात नहीं करते, हम नहीं ये बोलते कि अनुपमा को लिपस्टिक करनी चाहिए, काजल लगाना चाहिए, वो नहीं बोलते। हम बोलते हैं बस बिखरे हुए बाल ठीक करके जाए, उसमें क्या परेशानी है राइटर्स को। थोड़ी बहुत चलो कि साड़ी, अभी तो फिलहाल तो सिर्फ साड़ी ही है क्योंकि इसके पास मनी नहीं है, लेकिन दूसरे का देख देख कर इन्हों की अपनी बीजी से बोलकर इन्हों ये कर सकती है कि चलो सुपर स्टोर में जाए और जैसे वहाँ के ही विंटर के जैसे कपड़े हम लोग पहनते हैं वैसे कपड़े डालें, तो वैसा तो कुछ थोड़ा बहुत माइनर सा बदलाव राइटर्स ला सकता है, लेकिन अभी तक उसने लाया नहीं है। ये अनुपमा के कोई बच्चे कोई सुधरने वाले हैं कि नहीं वो हमको नहीं पता। और टीटू जो उसकी ज़िंदगी में आया है तो वनराज वहाँ पर टोंट नहीं देगा कि पहला तो तुम्हारा इनो की बलात्कार हुआ था, उसके बाद मेरे समर की लाइफ में तू गई, मिस दूसरा योग है नहीं, उसका आई थिंक फर्स्ट हस्बैंड भी था राइट, डिम्पी का, उससे डिवोर्स हुआ था बिकॉज उसका जो रेप हुआ तो उसमें उसके हस्बैंड के साथ उसका डिवोर्स हुआ। उसके बाद दूसरा आया जो समर था, अभी समर नहीं रहा तो अभी टीटू आया है। तो वनराज है वो डिम्पी को तो बिल्कुल नहीं कहेगा कि तुम्हारे लाइफ में ये तीसरा बंदा आ रहा है, वहाँ पर बिल्कुल टोंट नहीं मारेगा। हाँ उसको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं अंश उसके हाथ से चला ना जाए। वो डर एक अलग बात होती है, लेकिन जब तक डिम्पी का घर बसाने की बात है वो एक बिल्कुल अलग बात है। तो वो अंश को अपने काबू में इसलिए रखना चाहता है क्योंकि डिम्पी उसके काबू में रहे, लेकिन जब तक इनो के हम बोलते हैं ना डर, तब तक ही डर रहता है जब तक हम फ्री नहीं हो जाते। एक बार लगता है कि चलो डर बिल्कुल निकल गया तो वो डर को हम पीछे छोड़ के आगे की ओर भागते हैं, या तो वो बंधन को तोड़कर हम भागने की कोशिश करते हैं। डिम्पी के साथ मैं विश करती हूँ ये दोनों ही हो कि उसका बेटा भी उसके पास आ जाए और वो ये बंधन, वनराज का जो बंधन है वो तोड़कर वो अपनी नई जिंदगी की ओर चली भी जाए। वनराज का जितना ईगो लंबा है वो ईगो तोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक राइटर ने उसको तोड़ा नहीं है। क्यों नहीं तोड़ा है ये समझ में नहीं आता। अनुज उसने आज अपनी बेटी को डांटा तो सही, लेकिन ये डांट इनफ नहीं है क्योंकि आध्या उन लोगों में से है जो कभी सुधरने वाली नहीं, जैसे तोशु है, पाखी है, कभी सुधरने वाले बच्चे नहीं है, तो ये आध्या भी उसी की एक से। फिलहाल वो अनुज ने गुस्सा किया है तो
तो वो अपना थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कभी भी सुधरेगी। या तो उसके कोई दूसरे परिणाम हो सकते हैं कि यही गुस्सा, फिलहाल उसने अपने डैडी से बोल दिया कि मेरे को सॉरी के मैं सॉरी बोलती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो उल्टा ये पड़ेगा कि उसको अंदर से अंदर एक एक प्रकार का गुस्सा रह जाएगा और वो कहीं हम बोलते हैं ना कि कोई टेढ़ी सी लाइन ही पकड़ लेगी जहाँ पर टेढ़े काम होते हो, आप समझ रही है ना, कि बॉयफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड के साथ सो जाना, या फिर ड्रग्स के सब अलग आ जाता है, या सिगरेट पे आ जाते हैं, बच्चे बहुत सारी ऐसे तो बदनुमा हरकतें हैं बच्चों की जो आजकल के बच्चे करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलती, मैं विश भी नहीं करती कि आध्या ऐसा करे, लेकिन आध्या को इस लेसन से अगर कोई लेसन मिला है, अनुज के गुस्से से कुछ भी मिला है, तो बस वो अपना एटलीस्ट ये कर ले के अपनी माँ की रिस्पेक्ट करे ना करे बात अलग है, लेकिन दूसरों के सामने अनुज का नाम खराब मत करे, तो ये एक बात हो जाए तो बेहतर रहेगा। आप क्या सोचती है सब के बारे में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं, बाय बाय। हेलो अंजू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, एंड अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज के शो की शुरुआत अनुज से हुई। अनुज डिस्कस कर रहा है अपनी बेटी के साथ, उसको समझा रहा है अबाउट लाइफ एंड प्रॉब्लम्स। अनुज ने आज बहुत अच्छी सीख दी आध्या को, और अनुज की बातों से पता लगा कि उसे जो अनुपमा ने बताया था कार एक्सीडेंट के बारे में, उसे सब समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया 5 साल पहले फिर ऐसा क्यों डायलॉग बनाया गया, बताया गया कि जो अनुज बोलता है कि छोटी को पहले क्यों नहीं बचाया एंड ऑल, व्हाट वाज दैट, इट वाज वियर्ड। अगर अनुज को पता था कि अगर छोटी को पहले बचाते तो पूरी की पूरी कार खाई में गिर जाती। दिस इज समथिंग वेरी कन्फ्यूजिंग। एटलीस्ट ही नोज एवरीथिंग अबाउट द एक्सीडेंट, और आध्या को वॉर्न कर देता है कि अगर आइंदा उसने इस तरह की हरकत की तो वो हमेशा के लिए उससे बात करना बंद कर देगा। वहाँ किंजल के घर में वनराज और बाबा पूजी सब वापस आते हैं, तो किंजल सब कुछ बता देती है, अनुपमा भी बताती है कि क्या हुआ। अनुपमा कहती है कि तोशु को बुला लो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। वनराज को समझ में आ जाता है और वो तोशु को कॉल करता है, बट तोशु उठाता नहीं है क्योंकि तोशु उन गुंडों को देख लेता है और उनसे छुप जाता है। इधर अनुज काफ़ी परेशान होता है आध्या को लेकर और अपने आप को लेकर भी। श्रुति आ जाती है उसके कमरे में और वो डिस्कस करता है श्रुति के साथ अबाउट पेरेंटिंग एंड ऑल। दोनों की बातें चल रही होती है, आध्या आती है और अपॉलोजी लेती है। देखते हैं उसकी ये अपॉलोजी जेन्युइन है या नहीं है, ये तो आगे चलकर पता लगेगा। प्रीकैप में दिखाते हैं कि सब होली मनाने जाते हैं, एंड वहाँ नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि तोशु ने अपने ऊपर रंग से अपने आप को कैमोफ्लाज किया हुआ है, वो भी आता है वहाँ पे। टीटू डांस परफॉर्म कर रहा होता है और श्रुति का अलग ही था, उसने भांग पी ली एंड शी वाज, उसे तो नशा हो गया था and she was doing some weird things. Let's see what happens next. Thank you and have a good day. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए और फिर से होली की मुबारकबाद देने के लिए। कुमुदनी जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए 2 लाइंस बोली, हमारे चैनल के लिए 2 लाइंस बोली और सबको एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से विश किया, धन्यवाद। तो ये थे आज के रिव्यूज और बहुत ही अच्छे अच्छे आप अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी लाइफ की बातें शेयर करते हैं।
अच्छा लगता है, एक फैमिली की तरह फील होता है। सब लोग एक दूसरे की हैप्पीनेस के लिए प्रे भी करते हैं, ये भी जान के अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम इतना जुड़ जाते हैं तो एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। तो अच्छा है ऐसे ही फैमिली जो है हमारी बढ़ती रहे, हमारे साथ जुड़ते रहे लोग, तो मज़ेदार सा एक सफ़र बनेगा। तो जो लोग इस सफर में अभी शामिल नहीं हैं, होना चाहते हैं, उनके लिए मैं नंबर शेयर कर देती हूँ। हमारा नंबर है जिस पे आप पब्लिक वॉइस वीडियो में अपने विचार भेज सकते हैं ऑडियो के जरिए या फिर वीडियो के जरिए। तो नोट कर लीजिए नंबर 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.